हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हीरे की शफक है तो अंधेरे में चमक, रोशनी में आकर तो शीशे भी चमकने लगते हैं। जी हाँ, ऐसा ही एक हीरा भारतीय क्रिकेट को मिल गया है प्रियम गर्ग के रूप में। जब रास्ते मुश्किल हो, हर कदम पर रुकावटें मुंह बाए खड़ी हो, तो मंजिल पाने की जिद, शिखर तक पहुंचने का जोश कुछ अलग ही होता है। ऐसी ही कहानी है प्रियम की फर्श से अर्श तक पहुंचने की। मेरठ के किला परीक्षितगढ़ में एक साधारण परिवार में पला बड़ा एक सपना। सपना, देश में धर्म की तरह फॉलो किए जाने वाले खेल क्रिकेट का चमकता सितारा बनने का। ये सपना सच तब हुआ जब आखिरकार भारतीय अंडर 19 वर्ल्ड कप 2020 के लिए प्रियम गर्ग को भारतीय टीम का कप्तान चुन लिया गया। लेकिन उस मुकाम तक पहुंचने के लिए प्रियम और उसके परिवार को अपना पेट काटना पड़ा, कलेजे पर पत्थर रखकर जज्बातों के अंदर से जीतना भी पड़ा। प्रियम गर्ग अपने पुराने दिन याद कर बताते हैं। पापा दिन भर घर घर जाकर दूध बेचते थे और रात में 10 रुपए इसलिए देते थे जिससे मैं मेरठ जाकर क्रिकेट की प्रैक्टिस कर सकूं। उस वक्त आर्थिक हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि मुझे अपना सपना पूरा करने के लिए बस की छत पर बैठकर सफर करना पड़ता था। उन यात्राओं के दौरान मैं अक्सर सोचता था कि एक दिन बहुत पैसा कमाऊंगा और अपने पापा की मदद करूंगा। बता दें कि प्रियम गर्ग 2 दिसंबर को भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम के कप्तान बनाए गए। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जनवरी 2020 में दक्षिण अफ्रीका में होगा। प्रियम के परिवार के लिए ये सफर बेहद मुश्किल रहा। उनके पिता नरेश ने काफी मेहनत की, उन्होंने हर वो काम किया जो आप सोच सकते हैं। दूध बेचा, स्कूल वैन चलाई, सामान उठाया, सिर्फ इसलिए कि अपने बेटे प्रियम को क्रिकेटर बनते देख सके। इसके लिए प्रियम को मेरठ में एक अच्छी एकेडमी भी ज्वाइन कराई गई। पिता नरेश ये सुनिश्चित जरूर करते थे कि वो या बहनों में से कोई उनके साथ जरूर जाए। खुद प्रियम ने मीडिया को बताया, मेरे पिता मुझे एक बड़ा क्रिकेटर बनता देखना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने मुझे मेरठ की अच्छी एकेडमी में एडमिशन कराया था। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तब मैं ये समझने के लिए बहुत छोटा था। अब करोड़ों लोगों को हमसे काफी उम्मीदें हैं, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 30 नवंबर 2000 को जन्मे प्रियम ने 8 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया था। प्रियम एक दिन मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर से क्रिकेट टिप्स लेना चाहते हैं। क्रिकेट का जुनून ऐसा था कि घर में टीवी नहीं था तो वो शोरूम में जाकर सचिन के मैच देखा करते थे। गांव वालों के सुझाने पर पिता नरेश ने परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के बावजूद उसे मेरठ के भामाशाह पार्क में कोच संजय रस्तोगी से मुलाकात कर एडमिशन दिलवाया। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब प्रियम ने क्रिकेट खेलना ही छोड़ दिया। सन 2011 में प्रियम की मां कुसुम देवी का बीमारी के चलते निधन हो गया। तब प्रियम की उम्र महज 11 साल थी। इसके बाद उन्होंने एकेडमी जाना छोड़ दिया। पिता के समझाने के बाद उन्होंने दोबारा क्रिकेट खेलना शुरू किया। दरअसल प्रियम की मां कुसुम देवी उन्हें खेल कूद छोड़ पढ़ाई पर ध्यान देने को कहती थी। कुसुम देवी अपने बेटे को अधिकारी बनता देखना चाहती थी। बहरहाल रणजी मैचों में सिलेक्शन होने के बाद प्रियम को अच्छी रकम मिलती है, जिससे घर के हालात अब पहले से बेहतर हो गए हैं। बहन पूजा, ज्योति, रेशु और भाई शिवम ने प्रियम के कप्तान बनने पर खुशी जताई है और पिता का सीना गर्व से फूला नहीं समा रहा। बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, बहुत ही मन में खुशी है। जो भावना थी जो थी उसने मुझे वो दी है और समाज में मेरी इज्जत भी बढ़ाई है उसने, ऐसी बात नहीं है। जो लोग बाग आज तक कुछ जानते भी नहीं थे वे अब जाने लगे और उसके वजह से ही जो है हमें नाम मिला है। और अब से पहले तो यह है कि हम अपना टाइम जैसे भी काट रहे थे ठीक था, और बचपन में उसने जो मेरे साथ चल के सीखा और करा और मैंने उसे बताया, उसी लाइन पे वो अब तक चल रहा है। संजय भाई साहब कोच ऐसे मिले कि उन्होंने फिर इसकी काया पलट दी, फिर उन्होंने इस लाइन पे लगा दिया कि बिल्कुल, फिर ये मुड़के नहीं देखा इसने कि भाई मुझे करना क्या है। हर चीज़ उसने त्याग दी,
ना उसके जो है कि रिश्तेदारी का शौक रहा, यारी का या किसी चीज़ का भी, कोई ऐसा मैटर नहीं रहा तो जो वापसी उसे जो है दिमाग उसके टेंशन ना हो सके नहीं, बस सिर्फ एक क्रिकेट का जुनून बना रहा, क्रिकेट क्रिकेट। प्रियम के क्रिकेट करियर की बात करें तो वो अपने राज्य की टीम से खेलते हैं। उन्होंने अपना पहला फर्स्ट क्लास मैच नवंबर 2018 में गोवा के खिलाफ खेला था। प्रियम ने 12 प्रथम श्रेणी मैचों में 66.69 के औसत से 867 रन बनाए हैं। इनमें उनके 2 शतक और 5 अर्धशतक हैं। दाएं हाथ के बल्लेबाज ने प्रथम श्रेणी में दोहरा शतक भी लगाया है। वो देवधर ट्रॉफी में उपविजेता रही इंडिया सी की ओर से खेलते थे। फाइनल में प्रियम ने इंडिया बी के खिलाफ 74 रन की पारी खेली थी। अब अंडर 19 वर्ल्ड कप 2020 के लिए प्रियम गर्ग को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है। भारत 4 बार की विजेता और गत चैंपियन है, लिहाजा प्रियम के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। ये टूर्नामेंट दक्षिण अफ्रीका में 17 जनवरी से शुरू होगा, फाइनल 9 फरवरी को खेला जाएगा। भारत का पहला मुकाबला श्रीलंका से 19 फरवरी को होगा। प्रियम गर्ग को भारत का अगला सितारा कहा जा रहा है, यानी आगे चलकर प्रियम नीली जर्सी पहन सकते हैं। आशा है कि प्रियम और टीम इंडिया देशवासियों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और भारतीय क्रिकेट का ये उभरता सितारा जल्द ही चमकता सितारा बन जाएगा। प्रियम को अपनी बेस्ट विशेस देने के लिए कमेंट सेक्शन में मैसेज ड्रॉप जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।